हेलो एवरीवन, सो गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। गाइस आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। गाइस सो गाइस, सुबह सुबह उठकर और सुबह का जो भी ब्रेकफास्ट होता है वो बनाने के बाद, उसके बाद खुद भी थोड़ा नाश्ता करके अब मैं बैठी हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मेकअप वीडियोज है एंड रील्स के लिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं आज अच्छे से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पे रेडी होऊँगी ऑन कैमरा। फेस को क्लीन नहीं किया है, कि मैंने लगाया था आईलाइनर, तो थोड़ा सा मेरा लग रहा है इधर ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है। और इसको पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ, वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। पहले मैं आपको ड्रेस दिखा दूँ, कौन सा ड्रेस डालने वाली हूँ। उसके बाद मेरे को भी थोड़ा ये हो गया, हाँ चलो ड्रेस दिखा दिया तो मैं ड्रेस ऐसा दिखाऊंगी जो ड्रेस पे मैं अपनी वीडियोस भी बना लूँ। और मेरा मन है कि मैं अपने लहंगे पे वीडियोस बनाऊँ, तो आप लोग वेट कीजिए। और मैं भी पहले अपना लहंगा दिखा देती हूँ और उसको प्रॉपर मैं पहले पहन के वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मैं पहले इस कपड़े पे अपनी मेकअप वीडियोस बना लूँगी। उसके बाद मेरे पास जो भी ज्वेलरीज है अभी, क्योंकि उसकी मैचिंग की ज्वेलरीज वगैरह भी है, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा मैं उसी को पहन के आपको दिखाऊंगी। और उस पर आई थिंक थोड़ा मोटा क्लिप आ जाएगी मेरी, इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा रील्स। ब्राइडल लहंगा है तो उस पर डांस नहीं कर सकती हूँ, नया लहंगा है, उसको फाड़ना नहीं है मुझे, उसको अभी चलाना है। अभी और एक दोस्त फंक्शन आने वाला है मेरे घर पे, तो उसको पहनना है, उसको चलाना है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी जल्दी वो वेस्ट हो जाए। सो आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग बने रहे मेरे चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और आपको दिखाती हूँ मैं अपना लहंगा, तो जस्ट वेट। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा लहंगा, क्योंकि मैंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी में इतनी जल्दी मैंने मेकअप किया था। आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी होगी और आपको रील्स वगैरह भी नहीं आ पाई थी उस दिन कोई मेरा, मैंने आपसे पहले बोला था मेरा कोई ब्लॉग शूट करने वाला नहीं। मेरे घर पे सबको शर्म आती है एक दूसरे को, ये वो कहेगा वो कैमरा पकड़ लो, वो कहेगा ये कैमरे पकड़ लो, तो ऐसा होता है मेरे घर पे। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपना रिंग लाइट में फ़ोन लगा कर अभी मैं अपना मेकअप वीडियो स्टार्ट करूँगी। पहले आपको दिखा दूँ, फिर ज्वेलरीज वगैरह वो तो मैं जब रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी इसकी मैचिंग का ज्वेलरीज भी नहीं है, देखिए मेरे पास जो होगा। तो गाइस ये खुल गया, तो ये है गाइस इसका ब्लाउज, फिर से दिखा देती हूँ क्योंकि वे मेरे को ये पहनना है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर जो जो मेरे अपने चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। ये है मेरा लहंगा का ब्लाउज, ठीक है, जिसको अभी मैं अभी मेकअप करने के बाद पहनूंगी। तो ये है मेरा ब्लाउज और ये फ्रंट से ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं फ्रंट से ये ऐसा दिखता है और बैक से ये ऐसा दिखता है। तो इसका जो बैक है क्या बोलते हैं ये, थोड़ा डीप गला है, डीप गला नहीं बनाती हूँ मैं कभी भी, तो ये डीप गला नहीं है, तो डीप गला है बट इतना भी डीप नहीं है। तो मेरा दो जैसे ब्लाउज है ब्राइडल वाले, तो सेम एक ही सेम मैंने ब्लाउज दिखाया। अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाके मेरे ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने लहंगे की ब्लाउज की और जो स्टिच है वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। देन इसके साथ में ये चुन्नी, क्योंकि ये फिर से दिखा रही हूँ, तो ये है चुन्नी। अभी इसको खोलूँगी जब थोड़ा मैं तैयार हो जाऊँगी, तो ये देखिए मेरी चुन्नी, चुन्नी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हार्ड वर्क है इस पर, बहुत अच्छा सा इसको वर्क किया हुआ है। आप लोगों ने मेरे वीडियो पे नहीं देखा होगा तो इस पर देख लीजिएगा, अभी मैं फ़ोटो लगा दूँगी कैसे, तो देख लीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये देखिए कितना प्यारा है, अभी मैं इसको खोल ही रही हूँ क्योंकि मैं खिलेरा नहीं मचाना चाहती हूँ, अगर खिलेरा हो गया तो फिर उसको फिर मेरे को पहनने का टाइम में बहुत दिक्कत होगा। हाँ चलो, ये देखो ये भी मेरा शादी का लहंगा है, लहंगे का सेम मैंने ब्लाउज सेम सिलाया था, बट उसमें ना इसकी आस्तीन बहुत छोटी हो गई थी, तो इसकी आस्तीन बड़ी थी तो इसकी बड़ी सिलवाई और उसकी छोटी थी तो छोटी सी लिया। और इसका वर्क ऐसा है और पीछे का सेम है, पीछे का नो डाउट सेम सिला हुआ है, मैंने टेलर को बोला था सेम सीजी मतलब सिल देना कि मेरे को अलग ना लगे, क्योंकि मेरे को ना सिंपल डिज़ाइन बैक कट सही लगता है, फ्रंट में अगर बाजू में हो तो मेरे को चल भी जाता है, बट बैक में थोड़ा डिजाइन पहले मैं पहनती थी अब मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मॉडर्न जमाना गाइस, आजकल तो इतना बहुत सिंपल पहनते हैं लोग। तो ये भी शादी का लहंगा है, ये भी आप लोग जाना बहुत 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 पुराने ब्लॉग में होगा,
ये है टेलर का पर्ची, तो ये आपको मैं दिखा नहीं सकती हूँ, तो आप ऐसे ही देख लीजिए बंद में, क्योंकि ऐसे में मेरा हाउस नंबर भी होगा। और सबसे मेन आता है मेरा लहंगा, सबसे ब्यूटीफुल है ये मेरा लहंगा, ये है मेरा लहंगा, बड़ा है महंगा। सो गाइस ये देखिए, ये है मेरा लहंगा, बड़ा है महंगा बट है बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि ये बहुत गिफ्टेड है। तो ये है मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे मैरिज एनिवर्सरी पे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, सबको बहुत प्यारा लगा। पहले जब मैं लेके आई तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा यार पता नहीं कैसा होगा, कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा, बट इसको जब पहना ना बाय गॉड नजर लगे, क्योंकि कई बार इंसान को खुद की नज़र लग जाती है। आई रियल बहुत रियलिटी है गाइस, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, कभी मेरे को भी बहुत जल्दी लगती है, मैं खुद की तारीफ में करती हूँ। सो आप लोगों को मैंने लहंगा दिखा दिया है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ फेस वॉश करके आती हूँ फटाफट। फेस वॉश करने के बाद मैं जल्दी जल्दी मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँ, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस बने रहे आप लोग एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस मैं आ गई हूँ अपना फेस को क्लीन करके, तो अभी मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी अपने फेस पे। गाइस एक कट, सो गाइस अभी मैं मॉइस्चराइजर लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे, क्योंकि मेरा मिरर के पास रखा था, तो मैं ऑन कैमरा देखकर मैं अपनी वीडियो शूट करने वाली हूँ, तो अभी मैं इसको अच्छे से के लोग गाइस यहाँ पे प्राइमर लगाते हैं, तो मैं प्राइमर नहीं लगाती। प्राइमर पहले लगाती थी, तो प्राइमर लगाने के बाद गाइस अभी थोड़ा सा, अब बस मैं बताऊंगी कुछ नहीं, बस दिखाते जाऊंगी आपको। ब्राइडल के लिए और में और चाहिए होता है मेरे को, ये है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर। सो गाइस अभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे लगा मेरा कैमरा चल रहा और मैंने पाउडर लगाया, और पाउडर का जो वीडियोस था वो मैंने स्टार्टिंग ही किया था, तो मुझे दोबारा दिखाना पड़ रहा आप लोगों को, क्योंकि मैं लगा चुकी थी और मेरा कैमरा ऑफ था, जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई। सो अभी मैं लगाती हूँ थोड़ा सा, पहले मैं फेस का कर लेती हूँ, फिर आइज़ का कर लूँगी। तो गाइस अभी मैं, सो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि जो लिपस्टिक से लोग इसको हाईलाइट वो करते हैं चिक्स को थोड़ा दिखाते हैं, तो वो चीज़ की गलती ना करें, क्योंकि अभी मैंने लगाया तो इसके बाद ना एक तरफ तो ठीक हो गया मेरा, बट एक तरफ ना एकदम से चिपक गया लिपस्टिक और उससे सही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसको रिमूव करना पड़ा, और उसके बाद मेरे को फिर से अपना ब्लशर लगाना पड़ा। तो भाई ये हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि लिपस्टिक लगाते डायरेक्ट चिपक जाता है, तो इसको बहुत देर से ढके एडजस्ट करना पड़ा, देन भाई बहुत। तो अभी मैं आइस का चलूँगा, अब आइस का स्टार्ट करूँगी, तो अभी गाइस थोड़ा सा मैंने फ़ैन भी चलाया हुआ है, तो इसके साथ साथ अब मेरा जो आइस का मेकअप होता है वो स्टार्ट करती हूँ मैं,
मेरे पास कुछ ब्रश नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है गाइस। तो आप लोग ये चीज़ ना सोचना कि मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हाथों से हमेशा हैबिट बनी हुई है, मैं हाथों से करूँगी, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगी गाइस। बोलते ना लोगों को जो सही लगना चाहिए उसको वही चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो गाइस मुझे समझ तो अभी मैं लगा रही हूँ गोल्डन, अभी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गोल्डन वर्क है। और आज तो बहुत ज़्यादा भर भर के लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें हो गया। और इसमें मेरे को ना थोड़ा सा डार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डार्क है तो इसके एक्चुअली तो अभी इसको भी थोड़ा सा डार्क से इसका आउटलाइन बनाती हूँ। छोटा गाइस तो अभी हम इसको आउटलाइन करते हैं। तो अभी आपको दिखेगा नहीं ये, तो अभी मैं इसको पूरा प्रॉपर सही कर लेती हूँ, फिर ये आपको दिखेगा। मैं बहुत ज़्यादा पहले इसको भी कर लेती हूँ, फिर एकदम इकट्ठे करूँगी दोनों। सो गाइस आप लोग ये कमेंट मत कीजिएगा कि हाँ से कर रही है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ वहाँ से, क्योंकि बस भी मेरे पास ब्रश नहीं है, मेरे पास बहुत पुराने ब्रश थे तो इसमें नहीं हो पाता है कई बार, तो हाथ से करना पड़ता है। और फिर मेरे को हाथ से करना ज़्यादा प्रेफर लगता है, तो जहाँ पे मुझे लगता है ब्रश की यूज़ करना चाहिए तो मैं वहाँ पे ब्रश का यूज करती हूँ, और जहाँ लगता है नहीं करना चाहिए वहाँ नहीं करती हूँ। गोल्डन कर दिया गाइस, अभी करती हूँ डार्क। गाइस दोनों तरफ मैंने कर दिया है, अभी आप लोगों का दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अभी मैं मेरा टूटा हुआ है ना, इसलिए इसको जल्दी में निकालती हूँ, मुझे डर लगता है कि ये टूट ना जाए कभी। तो गाइस अभी मैं गाइस ये दिख रहा होगा आपको, क्योंकि कॉर्नर में थोड़ा सा मैं इसको तो अभी तो गाइस अभी ये अच्छा लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, ठीक है गाइस। मेरे को थोड़ा सा कैमरे में देख के करने में बहुत दिक्कत हो रही है, आज का तो लुक पता नहीं मुझे कैसा लगेगा, कैसा होगा, आई डोंट नो। पहले फर्स्ट
थिंक। तो गाइस ये हो गया है मेरा दोनों आइस, और अभी मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेरे को कुछ ब्लैक हो गया। गाइस मेरे को बीच में एंड स्टार्टिंग में मेरे जो मैं कौन सा करती हूँ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वैसे मैं इस पर कर रही हूँ। कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे करना है। क्योंकि गाइस मेरा लहंगा है बहुत ज़्यादा डार्क, तो इसलिए मेरे आइस को थोड़ा डार्क करनी पड़ रही है। और अभी मेरा आइस लगभग हो गया है, कलर भी आपको संग के संग दिखा रही हूँ। तो ये हो गया मेरा, और आगे मेरे को थोड़ा सा शाइन के लिए मुझे कुछ अलग से अभी तो गैस आगे के लिए मैं थोड़ा सा गोल्डन लगा रही हूँ। आप तो देख सकते हैं हाथ से ही कर रही हूँ, गोल्डन लगा रही हूँ। कॉर्नर के लिए थोड़ा गोल्डन यूज कर रही हूँ गैस। तो ये हो गया मेरा आईज का कंप्लीटेड। ये गाइस ये देखिए, अभी मेरे को थोड़ा आईब्रोज सेट करने है, आई लाइनर लगानी है, काजल लगानी है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये स्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ अपने काजल आई लाइनर के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा नोक बनानी थी कॉर्नर में, तो इसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत क्योंकि मुझे पड़ने वाली थी। तो गाइस अभी मैंने इसको इसके रैपर निकाल रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं ना, गाइस ये कितना मजबूत है, निकल ही नहीं रहा इसकी रैपर। एक मिनट। सो गाइस ये रहा मेरा ये आईलाइनर स्टिक, एंड अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए तो मैं इसको लगा लेती हूँ, जो उसके बाद मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि कैमरे में नहीं देख के आईलाइनर लगा सकती, उसके लिए मिरर चाहिए, तो मिरर में देख के मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ, उसके बाद आईब्रो कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो गाइस अभी एक तरफ का आप देख सकते हो, मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टिक आईलाइनर यूज़ किया है अपने आईज पे, क्योंकि हमेशा मैं ब्लू हेवन का यूज़ करती हूँ, तो इस बार ये यूज़ की हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि इसकी आदत नहीं है मुझे। तो अभी एक तरफ हो गया है, आप देख सकते हैं अभी एक तरफ हुआ नहीं है, तो एक तरफ हो गया तो ये आईज है, इस तरफ भी करना है तो अभी देख लीजिएगा थोड़ी देर। सो गाइस ये देखिए मेरा आईलाइनर। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को, और अभी मैं आईब्रो करती हूँ, फिर लिपस्टिक लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो गाइस अभी मैंने लगाया है लिप लाइनर, मतलब लिप को लाइन कर दिया है आप लाइन, एंड सो गाइस पहले ये लिपस्टिक लगाती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी लिपस्टिक। इसको लगाने के बाद लिपस्टिक लगाती हूँ। तो गाइस अभी काफी चीजें करनी है,
तो गाइस ये होड़ा की लिपस्टिक है, मुझे डर भी लग रही है क्योंकि लिप्स काले नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं इसको लगा लेती हूँ पहले। तो गाइस ये लगी मेरी लिपस्टिक, और मेरे को अभी करना है थोड़ा हाइलाइटर लगानी है। हाइलाइटर लगाने के बाद मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस मेरी लिप्स बहुत छोटी हैं, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा हो गई मेरी कंप्लीट। और मैं थोड़ा लगाती हूँ हाइलाइटर। यो मेरा ये सामान में थोड़ा टूटा हुआ रहा, ये इससे कर लेती हूँ। तो गाइस मैं थोड़ा लगाती हूँ हाइलाइटर। तो सब कुछ हाथों से है गाइस, आप लोग ये कमेंट्स मत कीजिएगा मेरे को, मैं हाथ से लगाती हूँ। तो गाइस ये है मेरा हाईलाइटर की, जिसमें भर भर के हाईलाइटर होना चाहिए क्योंकि आप ब्राइडल कर रहे हो। और मैंने फाउंडेशन लगभग बहुत कम यूज़ किया क्योंकि फाउंडेशन ज़्यादा फेस पे नहीं यूज़ करना चाहिए गाइस। तो अभी मेरे को अपनी रील्स वगैरह भी बनानी है, तो गाइस आप लोग बताइएगा। और एक मिनट गाइस, तो अभी मेरे को थोड़ा सा हाइलाइटर अपने इधर लगाना है, हल्का लगाना है। तो गाइस अभी हाथ से ब्रश से पता नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे हाथ से फिर से हैंड्स का यूज करना पड़ रहा है। सो गाइस मेरा लगभग मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया, और तो ये रहा मेरा फेस। और कोई कमी बेसी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, इतना मेहनत करके मैंने ये वीडियो शूट किया आप लोगों के लिए। अभी बस बिंदी, एक मिनट जब मैं रेडी हो जाऊँगी फिर मैं बिंदी लगाऊँ। फिर अभी मेरे को हेयर करना है, तो हेयर पूरा करके फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। हेयर कम्प्लीट, फिर ड्रेसिंग कम्प्लीट, एंड मेरा पूरा गेटअप कम्प्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद गाइस मैं रील्स भी थोड़ा शूट करूँगी, फिर वो रील्स आ जाएगी आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, सो गाइस कैसे लग रही हूँ गाइस कमेंट्स कीजिएगा। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और पूरा देखिए प्रॉपर मैं रेडी हो गई हूँ एक अच्छे से गेटअप के साथ में, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं लहंगा पहन के मेकअप करके मैं एक वीडियोस बनाऊँ, वो भी मेरी अरमान पूरी हो गई। और इससे पहले भी मैंने बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। और बहुत पहले बनाया था, तो वो भी मेरे शादी के जोड़े पे बनाया था, तो जाके देख लीजिएगा। और आज फिर से बनाया हूँ, तो ये देखिए मैं गजरा लगाई हूँ गाइस। अभी मैं फूल दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा कैमरे ऐसा घुमाना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा मेरा लहंगा, तो गाइस ये रहा लहंगा। अभी पूरा प्रॉपर आपको दिख नहीं रहा, अभी थोड़ा सा और डाउन करना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा लहंगा मेरा। सो गाइस अभी आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। फिलहाल ऐसे अभी मैं फोटो शूट करूँगी, और बहुत मेहनत से मैंने मेकअप किया है गाइस। तो ये पोज मैं दिखा रही हूँ कि जो एक जो ब्राइडल होती है जो अपना पोज देती है, तो मैं भी सोच रही हूँ पोज दूँ। और अभी मैं वीडियोस अच्छी अच्छी अपनी बनाने जा रही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो गाइस आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा। मैंने
मैं वहाँ पे जाके अपनी वीडियोस बना रही हूँ, वहाँ पे जाके देखेगा और मेरा यूट्यूब पे भी आ जाएगा। तो आई होप आज मेरे यूट्यूब वीडियो पे मेरा डांस वीडियो तो आई थिंक देखो जैसा आता है। एंड और आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को और मेरा ये लहंगा कैसा लगा, ये देखिए कैसा लगा आप लोगों को लहंगा। और अभी मेरा कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं है, मैं खुद कर रही हूँ, खुद स्वयं मैंने पूरा खुद रेडी हुई हूँ और बहुत थोड़ा टाइम लग गया मुझे। बट गाइस फर्स्ट टाइम अकेले रेडी होकर मैंने आपके साथ आई हूँ मेकअप पूरा करके, तो आप लोग देख सकते हैं और आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेकअप। तो गाइस आप लोगों ने एक चीज़ कभी नोटिस किया है? अगर नोटिस नहीं किया है तो नोटिस ज़रूर कीजिए कि एक जैसे हम लोग हाउस वाइफ हैं, हम घर पे रहते हैं, सिंपल रहते हैं, तो हम लोग बहुत थोड़ा सा क्योंकि हमारा रोज का रूटीन होता है, हम घर पे नॉर्मल रहते हैं। जब हम रेडी होते हैं कहीं जाते हैं तो हमारा लुक चेंज हो जाता है, जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा होगा जब मैं मेकअप कर रही थी उस टाइम थोड़ा आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कैसा मेकअप है, क्या है, पता नहीं कैसे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कॉमेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। बट जब मेकअप करने के बाद जब सही से एकदम आपके ऊपर सेट हो जाता है तो उसके बाद आपका फेस एकदम सा अलग हो जाता है। और आप लोग देखिए तो आप लोग कहोगे कि मैं जो थोड़ा देर पहले मैं मेकअप कर रही थी मैं वही हूँ, मैं खुद रेडी हूँ होकर आप लोगों के साथ आपके सामने खड़ी हूँ और वीडियोस बनाने के लिए रेडी हूँ। बस मेरा एक और चीज़ था, जैसे कि मेरी मम्मी अगर ये वीडियो देख रही होंगी उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी को बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि मैं मेकअप वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई, यहाँ पल्लू मिल नहीं रहा है तो अभी मैं इस पल्लू सर पे डालने जा रही हूँ और अभी मैं दिखाती हूँ। मेरी मम्मी अभी अगर मेरी वीडियोस देख रही होंगी तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और ये देखिए मैं कैसे लग रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं होंगे, ऑफिस में होंगे। तो गाइस ये देखिए, तो गाइस मैं बहुत मेरी बहुत अरमान थी, बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी, बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरा ये मेकअप वीडियोस आए आप लोगों तक मैं शेयर करूँ। मैं खुद भी मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हूँ, खुद भी मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही पर जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है। लोग इतना मेकअप कराने के लिए पार्लर जाते हैं, मैं खुद घर पर कर लेती हूँ। और हाँ उसके लिए अपने आपके पास प्रोडक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास मेकअप प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए तभी आप ये मेकअप कर सकते हो, नहीं तो आपको पार्लर जाना ही पड़ेगा। तो गाइस आप लोग बताइएगा और मैं अभी जाती हूँ गाइस रील्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से पहले पहले रील्स शूट करने जा रही हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस आ जाएगा तो फटाफट जाके देख लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही आप लोगों के सामने मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ और अच्छे अच्छे गेटअप के साथ मिलती रहूँगी। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग को देखिएगा, प्लीज़ देखिए, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग देखिए मेरी ब्लॉग को और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और मैं ये पल्लू रखते हुए और ये दुल्हन की तरह, आप बताइए मैं दुल्हन की तरह लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ? और लग रही हूँ यार, लगना चाहिए, जब इतना मेहनत किया तो गाइस लगना चाहिए। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखे और वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, बाय बाय।